नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। 1897 से 1941 तक यह आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को धाकड़ जाति के किसान के द्वारा चलाया गया था। ऊपरमाल की जागीर राणा सांगा द्वारा अशोक परमार को दी गई थी, जब उन्हें खानवा के युद्ध के दौरान उन्हें सहायता की थी। और इस आंदोलन में यह आंदोलन मेवाड़ का, राजस्थान का, भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा चलाया गया था। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह और उस समय जागीरदार थे यहाँ के किशन सिंह और पृथ्वी सिंह। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास द्वारा। और जब यह आंदोलन 1897 में नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के द्वारा जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए और वहां पर किसानों की समस्याओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें मिलने ही नहीं दिया था, क्योंकि वहां पर के किसानों से 84 प्रकार के कर व अन्य छोटे मोटे कर वसूले जाते थे, जिससे वह परेशान थी। इसलिए 1897 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन का की शुरुआत मानी जाती है। और 1903 में किशन सिंह वहां के जागीरदार द्वारा चौरी कर लगा दिया गया। यह एक प्रकार का विवाहिक मंडप सजाने पर कर लिया जाता था, जो कि 5 रुपए या 13 रुपए के कर के रूप में वसूले जाते थे। और उसके बाद 1906 में तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया, जो कि एक उत्तराधिकारी कर माना जाता है। 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया, जो कि विजय सिंह पथिक और हरिभाव किंकर के द्वारा किया गया था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। जब विद्या प्रचारिणी सभा का गठन 1914 में हुआ था, उसकी एक अधिवेशन चित्तौड़ में आयोजित किया गया था, पहला अधिवेशन, जिसमें साधु सीताराम दास भी गए थे। उसमें विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को 1916 में संभाल लिया। और 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया, जिसका पहला सरपंच मन्नालाल पटेल को बनाया गया। और इस आंदोलन को पूरे भारत में कानपुर से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र प्रताप नामक समाचार पत्र के द्वारा पूरे भारत में प्रकाशित किया गया और प्रचार प्रसार किया गया। जब मुंबई में महात्मा गांधी जी से विजय सिंह पथिक मिले और उन्हें आमंत्रित किया, तो महात्मा गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था। और 1919 में वृदा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जो कि विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर के द्वारा किया गया, जो 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के द्वारा किसानों से एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए। उसके बाद 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल जाना पड़ा, क्योंकि उन पर आरोप था कि जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित में किसानों को विजय सिंह पथिक भड़काते हैं। उसके बाद 1923 से 1927 तक माणिक्य लाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1927 से 1929 तक रामनारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने किसानों दो अपने जेल से रिहा होने के बाद वह अपने गांव पुरसारिया चले गए थे, जहां से किसान आंदोलन का नेतृत्व करते रहे और किसानों से भूमि त्यागने को कहा। लेकिन महाराणा वहां के महाराणा किसानों से नाराज हो गए और उन्हें भूमि को जब्त कर लिया। 1929 में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व हरिभाव उपाध्याय के द्वारा किया गया, जो कि अंत तक वह इस आंदोलन के नेतृत्व करता रहे। 1941 में वहां के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के प्रयासों से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।